फिलहाल रखना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज दोपहर के खाने में आलू की टिक्कियाँ बना रही हूँ, मैं तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सब सामान है टिक्कियों का। सबसे पहले मैंने आलू को बॉयल कर लिया, मैंने कहा टाइम की बचत हो जाए। और ये मसाले हैं सारे जो इसमें डलेंगे, मेथी, गरम मसाला पिसा हुआ, खुश्क धनिया पाउडर, दादर मिर्च, नमक, काली मिर्च, हल्दी, सुरख मिर्च, अंडे, घी है, और ये क्रश किया हुआ ब्रेड है, इससे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मज़ेदार है। ज़्यादा ब्रीक भी नहीं करना, you
सबसे पहले हल्दी, सिर्फ मिर्च, मेथी, इससे खुशबू बड़ी बनती, गरम मसाला, दादर मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, अब हम हरा धनिया काटेंगे। थोड़ा सा दो तीन पत्ते पुदीने के बिठा दूँ, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक, मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, हम इसकी गोल गोल टिक्कियां बनाएंगे। हमारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं सारी, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। सबसे पहले दो अंडे लेंगे, अच्छी तरह फेंट लेंगे,
हमने अंडा लगाया, बाद में ब्लड प्रेशर हो बोल गए। ब्रेड के साथ काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। ये देखिए हमारे आलू वाले कबाब बन चुके हैं, एक से दो रह गए हैं। मैंने दरमियान में ऐसे वीडियो स्किप कर दी थी कि टाइम की बचत हो जाए। ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप इसे रमज़ान में भी स्पेशली बना सकते हैं अफ्तारी के टाइम। मैंने तो आज बच्चों की फरमाइश पे पर टब बनाया है। ये हमारा भी है, ब्रेड भी ख़त्म हो चुका है सारा। हमारा कबाब बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब इसे रोटी और नान के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।